गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम मूंग दाल की कचौरी बनाने वाले हैं। कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो देख लेते हैं उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले स्टफिंग का देख लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमें चाहिए ये मूंग दाल, धुली हुई मूंग दाल है, ये 150 ग्राम है। इसको 5 घंटा रख दिए थे फूलने के लिए। अच्छी तरह से देखिए फूल गया है, और इसको इसका पानी को पूरी तरह छान के निकाल लिए हैं। तो ये मूंग दाल है, इसको फुला देने पर ये डबल हो गया है। तो 150 ग्राम है ये मूंग दाल। और उसके बाद में ये गरम मसाला लिए हैं 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, ये थोड़ा से धनिया पाउडर है 1 चम्मच, और 3 चम्मच ले लिए हैं बेसन लिए हैं, और 1 चम्मच है ये लाल मिर्च पाउडर है ये, और ये थोड़ा से सौंफ लिए हैं करीब 2 चम्मच है, 1 चम्मच जीरा लिए हैं साबुत जीरा, और ये साबुत खड़ी धनिया ले लिए हैं करीब, ये भी 1.5 चम्मच है ये, और अमचूर पाउडर ले लिए हैं। तो इतना सब हमारा स्टफिंग के लिए हो गया। अब डो बनाने के लिए देख लेते हैं सामान। तो उसके लिए सबसे पहले 250 ग्राम मैदा लिए हैं, और ये नमक लिए हैं स्वाद अनुसार 1.5 चम्मच है ये, और ये मोयन के लिए तेल ले लिए हैं, और ये अंजवाइन है थोड़ा से आधा चम्मच लिए हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डो बना लेते हैं। तो एक बड़े बाउल में ये मैदा है, इसको निकाल लेते हैं इस तरह से। इसके बाद मैदा में ये थोड़ा से अजवाइन है, इसको थोड़ा से इस तरह से क्रश कर लेना है, उसके बाद डालना है। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है। उसके बाद में फिर ये स्वाद अनुसार नमक डालना है थोड़ा से। इसके बाद इसको एक बार मिला लेना है इस तरह से। इसके बाद फिर ये मोयन के लिए थोड़ा से रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। तेल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से, सबसे पहले इसको इसमें मोयन को मिलाना है अच्छी तरह से। मिला लिए इस तरह से, देखिए पूरा मोयन को पूरा मिला लिए हैं। और इसको इस तरह से ऐसे मुट्ठी बांध के देखना चाहिए, तो ऐसे ये बंध जाता है, तो इसका मतलब है हमारा मोयन परफेक्ट लगा है। अब इसमें एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको डो बनाना है। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इसमें, फिर उसके बाद इस तरह से इसको करना है। इसका हमको मीडियम डो बनाना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है इसको, और एकदम आटे की तरह बिल्कुल मुलायम भी नहीं बनाना है इसको, तभी हमारा जो आटा है बहुत बढ़िया बनेगा और कचौरी भी बढ़िया खस्ता बनेगा। इस तरह से देखिए एक डो बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसको सेट होने के लिए 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं ढक के। इस तरह से इसको ढक के रख दे रहे हैं। स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले ये मूंग दाल है, उसको एकदम दरदरा पीस लेना है। तो पहले इसको दरदरा पीस लेते हैं इस तरह से। देखिए हमको एकदम दरदरा इसको पीसना है इस तरह से, और इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, इसी तरह से हमको चाहिए। अब इसको रख देते हैं। चलिए सबसे पहले मसाला तैयार करते हैं। एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें ये धनिया है, ये साबुत धनिया, इसको डालना है। इसके बाद फिर ये जीरा है, इसको भी डालना है। फिर ये सौंफ है, इसको भी डालना है, और तीनों को डाल के हमको हल्का इसको भून लेना है। इससे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लगता है, और इसको सुगंध भी बढ़िया आता है। इसको अच्छे से भूनना है। देखिए इसको सिर्फ 2 मिनट ही भुने हैं, फिर इसको अलग बर्तन में रख के इसको ठंडा कर लेते हैं। मसाला हमारा ठंडा हो गया है, इसको बिल्कुल हमको दरदरा पीसना है, या फिर कूट भी सकते हैं इसको, जो अदरक कूटने का रहता है उसमें मिक्सी में डाल के हमको इसको दरदरा पीस लेना है। इस तरह से देखिए इसको दरदरा इसको पीस के ले आए हैं। तो सबसे पहले आप एक इसको भून लेते हैं। तो एक कढ़ाई ले लिए हैं, कढ़ाई में तेल ले लिए हैं,
और 4 चम्मच तेल लिए हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है तो सबसे पहले हमको इसी को डालना है। और गैस का फ्लेम को मीडियम रखें क्योंकि ये ड्राई मसाला है। इसको थोड़ा देर के लिए भून ले रहे हैं। इसको एकदम धीमी आंच में ही भूनना है। अब इसके बाद में इसमें हल्दी पाउडर डालना है और इसी में फिर ये लाल मिर्च डालना है। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर ये धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें गरम मसाला भी डालना है थोड़ा से। इसके बाद मसाला के साथ में ही हमको ये बेसन है इसको भी बढ़िया, बेसन को अच्छी तरह से इसको भून लेना है। इस तरह बेसन डालने के बाद में इसको बेसन को बढ़िया अच्छे से भूनना है, बेसन से खुशबू आने लग जाती है। ये देखिए बेसन हमारा भून गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको इसी में डाल के अब अच्छी तरह से इसको भूनना है। इसका पूरा पानी के सूखते तक से इसको हमको अभी भूनना है इसको। और इसी में अभी ये नमक डाल देना है। नमक को स्वाद अनुसार डालना है क्योंकि मैदा में भी हम नमक डाले हैं अभी। इसको अभी भूनते भूनते पूरा इसको सूखा करना है हमको। इस तरह से देखिए ये हमारा इस तरह से ड्राई हो गया है। हमको इस तरह से ड्राई होते तक से इसको भूनना है। और कितना अच्छा कलर भी आ गया है। अब इसमें हमको ये चटपटा स्वाद के लिए इसमें थोड़ा से अमचूर पाउडर डाल दे रहे हैं। अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसमें। मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ खट्टा स्वाद करने के लिए, थोड़ा से चटपटा के लिए। और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फिर इसके बाद फिर इसको स्टफिंग को ठंडा होने के लिए थोड़ा रख देते हैं। देखिए हमारा स्टफिंग ठंडा हो गया है। अब चलिए कचौरी बना लेते हैं। हमारा आटा भी सेट हो गया है तो इतना बड़ा पहले लोई काट लेते हैं और इसको गोल गोल पहले बनाना है इस तरह से। फिर इस तरह से इसको ऐसे करना है। इसका नीचे के भाग को मोटा रखना है और इसका ऊपर को इस तरह से पतला पतला करना है। पहले कटोरी की तरह इसको बना लेना है ऐसे। ये देखिए इस तरह से पहले करना है इसको इस तरह से। इसके बाद फिर इसमें ये भर देना है। इतना भरने के बाद इसको इस तरह से बनाना है अंगूठा से ऐसे। एक अंगूठा से इसको नीचे दबाते जाना है और दूसरे हाथ से इसको ऐसे ऊपर करते जाना है इस तरह से। इसके बाद इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ना है ऐसे थोड़ा सा इसको। और लास्ट में फिर यहाँ पर थोड़ा से पानी इस तरह लगा लेना है इसमें ताकि ये निकले ना। ऐसे करके सबको एक जगह कर लेना है। देखिए ऐसे मोमोज की तरह ऐसे। उसके बाद फिर ऐसे करके ऐसे दबा के
देखिए इसी तरह से बनाना है ऊपर का इसको। देखिए बढ़िया भरा गया। अब इसको ऐसे करके फिर इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे दबाना है। देखिए बन के तैयार हो गया। बढ़िया इस तरह से देखिए कचौरी इसको भर के तैयार कर लिए हैं। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिए हैं, हमको बिल्कुल कम गरम तेल चाहिए। छोटा सा आटा डाल के देखते हैं। देखिए धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, तो हमको इसी तरह से बिल्कुल कम गरम तेल चाहिए। इसमें आप एक एक करके कचौरी को डाल देते हैं इस तरह से। इस तरह से इसको धीरे धीरे ही पकाना है और अभी उसको पलटना नहीं है। इस तरह से देखिए इसको तुरंत चम्मच नहीं चलाना है, इसमें थोड़ा एकदम धीमा आँच में इसको इस तरह से पलट पलट के पकाना है। और इसको एक बार पकाने में कम से कम इसको 15 मिनट का टाइम लग जाता है। तो इस तरह से पका ले रहे हैं। इस तरह से देखिए हमारा कचौरी को पलट पलट के पकाए हैं। अब ये बन के तैयार हो गया है। ये इस तरह से इसका रहना चाहिए। देखिए इतना बढ़िया गोल्डन ब्राउन हुआ है, ये ऐसी कचौरी रहता है। और इसको निकाल लेते हैं। एक बार के कचौरी पकाने में हमको कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है। इसको मध्यम आँच में ही पकाना रहता है, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरह बाकी कचौरी है उसको भी इसी तरह तल ले रहे हैं। इस तरह से देखिए सारे कचौड़ी बना के तैयार कर लिए हैं। ये बहुत बढ़िया खस्ता कचौड़ी बना है और मैं इसका बताती हूँ किस तरह से ये खस्ता बना है। इस तरह से देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया खस्ता कचौड़ी बना है। और इसका स्टफिंग देखिए कितना अच्छा से इसमें भरा हुआ है। तो इसको घर में बनाए हम लोग तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनता है घर में बना खाने से। हलवाई स्टाइल में बनाए हैं, उसी तरह से स्टफिंग भी भरे हैं। और इसको मैं दही की चटनी के साथ सर्व की हूँ। दही चटनी में कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप चाहे तो दही चटनी के साथ खाएं या हरे चटनी के साथ खाएं या मीठी चटनी के साथ खाएं, सभी के साथ ये अच्छा लगता है। मैं दही चटनी के साथ में सर्व कर दी हूँ। और इस तरह से बढ़िया कचौड़ी बन के तैयार हुआ है। आप लोग भी इस तरह से बनाएँ। यदि ये कचौड़ी पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि मेरे चैनल में आप नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा ये कोई भी डिश बनाऊँ तो आपको अच्छा से दिखे। और धन्यवाद।